हाय फ्रेंड्स, एहतसाम के चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फिर से मैं आज कुछ नई रेसिपी के साथ आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे बेकिंग और कुकिंग से रिलेटेड सब चीज़ मिलती है। तो देखिए, मैंने लिया है 10 रुपए की बिस्किट और इसे मैंने मिक्सी जार में अच्छी तरह से पीस दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस तरह से बिस्किट को पीस लिया है। उसके बाद मैंने डाला है 2 चम्मच कोको पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, 2 चम्मच मैंने डाला है कोको पाउडर। इस तरह से मुझे डालना है 2 चम्मच कोको पाउडर। और इसका टेस्ट बिल्कुल मिठाई जैसा आए, इसके लिए हमें डालना है 1 चम्मच घी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें इस तरह से इन सबको मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद हमें डालना है 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी। ये देखिए, मैंने पीस लिया था चीनी को, मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर देखिए, मैंने लिया है दूध। दूध को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसके बाद देखिए, मैंने लिया है दूध और इसे हमें अच्छी तरह से सान लेना है। इसे हमें अच्छी तरह से डो लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हाथों में थोड़ा लग जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मेरे भी हाथों में लग गया है। फिर हाथ का हमें वॉश कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी तरह से ये डो बन गया है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें अच्छी तरह से इसे डो की तरह तैयार करके इसे साइड कर लेना है। उसके बाद हाथों में जो हमारा लग गया है उसे हमें वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए, हमने वॉश कर लिया है। उसके बाद आइए, हमें क्या करना है, ये देखिए, इसे अच्छी तरह से हमें, देखिए इस तरह से, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा है और ऑयली भी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इस तरह से कर लेना है। देखिए, एक मैंने बोर्ड लिया है, चॉपिंग बोर्ड, उसके ऊपर हमें इस तरह से लंबा 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 कट लेना है। उसके बाद इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे कट करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से सारे को कट कर लेना है। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इस तरह से सारे को कट कर लिया है। फ्रेंड्स उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, मैंने लिया है ये मैंने चॉकलेट लिया है। आप चाहे तो डेयरी मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। ये मैंने हाफ़ थोड़ा ही सा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। फ्रेंड्स इस तरह से हमें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से कट कर लेना है। फ्रेंड्स इसे कट कर लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे एक साइड को मैं कटोरे में निकाल लूँगी और इसे डबल बॉइलिंग से मैंने बॉयल कर लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से हमें इस तरह से बॉयल कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बॉईल करने के बाद चॉकलेट को, उसके बाद हमने जो अपना बना के रखा है मिठाई, उसे हमें इस तरह से टैप चॉकलेट के अंदर डाल देना है। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से हमें इस तरह से डालना है, चॉकलेट के अंदर डिप करना है और इसे अच्छे से निकाल लेना है। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से हमें निकाल लेना है। फ्रेंड्स अच्छे से, मैंने स्पून से निकाला था तो काफ़ी वेस्ट हो रहा था। फ्रेंड्स इसी के लिए मैंने हैंड का यूज़ कर लिया। आप पोक से निकालेंगे तो अच्छी तरह से निकल जाएगा, पर मेरे सामने अभी वो नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी इसी से हैंड ही यूज़ कर लिया। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से हमें इस तरह से सारे चॉकलेट को डिप करते हुए अच्छे से चॉकलेट मैंने जो ये बिस्किट का बना के रखा है, इसे चॉकलेट के अंदर डिप करना है। डिप करके अच्छी तरह से फिर हमें इसे क्या करना है, फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में हम आधे घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन हमारा सारा बन चुका है। इसे हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने डिप करके रखा है और इसे सेट होने के लिए हमें छोड़ देना है। फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये फ्रिज में सेट हो चुका था और मैंने वीडियो भी शूट किया, मुझे पता नहीं चला कि मेरा वीडियो ऑन नहीं है। फिर मेरा नारियल का
जो गुड़ बोल चूरा बोलते हैं ना, ये वो है। उससे मैंने अच्छी तरह से चूर कर लिया था, नारियल का गुरा बना लिया था। ये मार्केट में भी मिलता है फ्रेंड्स। इसे हमने फिर चॉकलेट किया हुआ डिप को फिर से अच्छी तरह से फ्रिज में सेट होने दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें इस तरह से डालना है और निकालना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा बन गया था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरा 2-3 बाकी था, फिर मैंने वीडियो ऑन किया फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा अच्छी मिठाई बिल्कुल हलवाई जैसा रेडी है फ्रेंड्स। ये देखिए, और बच्चे को भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। एक बार अपने घर में ज़रूर से ज़रूर बनाइए और कमेंट कीजिए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। बाय।